खींचो ना कमानों को ना तलवार निकालो, खींचो ना कमानों को ना तलवार निकालो, जब तो मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूँ आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। सहाफत, पत्रकारिता या फिर जर्नलिज्म, आप चाहे किसी भी भाषा में इसे कुछ भी नाम दें, लेकिन कुछ लोग इस पत्रकारिता की आड़ में खुले तौर पर समाज में नफरत फैलाने का धंधा कर रहे हैं। ये शेर अकबर इलाहाबादी का है, जिन्होंने कलम और तलवार की अहमियत एक अखबार से समझाया है। लेकिन कलम जब नफरत की इबारत लिखने लगे, तब ये कलम नहीं नासूर बन जाती है। हरिद्वार के धर्म संसद में 20 लाख मुसलमानों के कत्लेआम करने के प्लानिंग के बाद अब तथाकथित हिंदू रक्षकों और धर्मों के ठेकेदारों का चेहरा उजागर हो गया। वहीं दूसरी उच्च कोटि का गांजा फूकने वाले कुछ लोग खामोश हैं। यूं समझ लीजिए कि दिन रात धर्म के नाम पर टीवी डिबेट करने वाली गोदी मीडिया और उसके चाटुकार पत्रकारों के मुंह में जबान ही नहीं रह गई कि वो इस धर्म संसद पर कुछ भी बोल सकें। टीवी के कार्यक्रम में आपको हर तरह की खबर मिलेगी, लेकिन दिन दहाड़े कत्लेआम की प्लानिंग करने वाले धर्म रक्षकों के खिलाफ डिबेट आयोजित कराने में ही एंकर और एंकराओं को दिन में तारे नजर आने लगे हैं। दरअसल पत्रकार के भेष में बैठे सरकारी प्रवक्ताओं की असलियत ही यही है कि वे खुद भी उसी गंदगी का सेवन रोज करते हैं, जिस गंदगी को फैलाते हुए आपने हरिद्वार के धर्म संसद में देखा था। अब उसी गंदगी का एक और खौफनाक चेहरा सामने आ रहा है, जिसका नाम है सुदर्शन न्यूज चैनल। यूं तो इस नफरत न्यूज चैनल पर नफरत फैलाने के अलावा न्यूज के नाम पर कुछ भी नहीं होता, लेकिन दंगाइयों के इस चैनल पर सरकार बहुत मेहरबान है। इस चैनल का सबसे जहरीले सांप का नाम है सुरेश चौहान के, जो इस चैनल का सीईओ बताया जा रहा है। ये शख्स नफरत के नशे में इतना चूर होता है कि इसे संगी ब्रिगेड का सबसे बड़ा चट्टू और चमचा कहा जाना गलत नहीं होगा। संघ के कारखाने से निकले इस धंधेबाज पत्रकार को पत्रकार कहना भी गलत होगा। अभी कुछ दिनों पहले हिंदू युवा वाहिनी का दिल्ली में एक प्रोग्राम हुआ, जिसमें इस दंगाई ने अल्पसंख्यकों के खिलाफ हथियार उठाने और उनकी हत्या करने की शपथ दिलाई थी। लेकिन अब इसकी नफरतबाज पत्रकारिता ने बच्चों को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया। इस शख्स ने अब छोटे छोटे मासूम बच्चों को दंगाई और हत्यारा बनाने की शपथ दिला रहा है। आतंकवादी बनते जा रहे सुरेश चौहान के आतंकवादी चेहरा आपने कई बार देखा होगा, लेकिन अब इसने आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए मासूम बच्चों को निशाना बनाया है। आखिर कैसे नागपुरिया संतरों ने गंद मचानी शुरू कर दी है? आखिर कैसे खुलेआम दंगा कराने की साजिश रच रहा है आतंकी पत्रकार? आखिर कैसे समाज में नफरत के बीज बो रहा है आरएसएस का छोटा रिचार्ज और कैसे बना रहा है छोटे और मासूम हिंदुओं के बच्चों को अपना शिकार? बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ, लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें, ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं अब खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश का चुनाव इस वक्त बीजेपी के लिए नाक सवाल हो गया है। बीजेपी की मदद के लिए यूं तो अनगिनत प्रवक्ता मौजूद हैं, लेकिन बीजेपी के पत्रकारों को सत्ता में एक अलग ही मुकाम हासिल है। ये लोग नफरत फैलाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। ये लोग पत्रकारिता की आड़ में सियासी एजेंडे को हवा देना का काम भी करते हैं। नफरतबाज पत्रकारिता का ऐसा नजारा आपने शायद ही कहीं और देखा होगा। ऐसे ही एक दंगाई पत्रकार का नाम है सुरेश चौहान के। ये अपने चैनल सुदर्शन न्यूज के जरिए दिन रात दंगा करने की साजिश रचता है। अदालतों की फटकार का भी इस पर कोई असर नहीं है। अब इसने स्कूल के मासूम बच्चों को अपनी नफरत का शिकार बनाना शुरू कर दिया है। दरअसल उत्तर प्रदेश के सोनभद्र के स्कूली बच्चों द्वारा विवादास्पद शपथ लेने का वीडियो वायरल होने के बाद चारों तरफ हड़कंप मच गया है। इस वीडियो को निजी टीवी चैनल सुदर्शन न्यूज के सीईओ सुरेश चौहान के ने भी ट्वीट किया है, जो खुद को पत्रकार कहता है, लेकिन इसे पत्रकारिता का ABCD भी नहीं आता। सुरेश चौहान के ने इस वीडियो को ट्विटर पर भी शेयर किया है। ट्वीट किए गए वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि लाल रंग के स्कूल ड्रेस में कुछ बच्चे शपथ लेते हुए दिखाई दे रहे हैं।
शपथ लेने के दौरान बच्चे ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि वचन देते हैं, संकल्प लेते हैं अपने अंतिम प्राण के क्षण तक इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, बनाए रखने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए लड़ेंगे, जरूरत पड़ी तो मारेंगे, किसी भी बलिदान के लिए किसी भी कीमत पर एक क्षण भी पीछे नहीं हटेंगे। हमारे ये संकल्प पूरा करने के लिए हमारा गुरुदेव, हमारे कुल देवता, हमारे कर्म देवता भारत माता हमको शक्ति दे। इस दौरान बच्चों ने भारत माता की जय और वंदे मातरम जैसे नारे भी लगा रहे हैं। सुदर्शन न्यूज के सीईओ सुरेश चौहान के द्वारा ट्वीट किए गए वीडियो में छोटे बच्चे भी दिखाई दे रहे हैं। इस वीडियो में दिखाई दे रहे बच्चे उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के रॉबर्ट्सगंज के विमला इंटर कॉलेज के हैं। इस मामले को लेकर जब समाचार पत्र टेलीग्राफ ने विमला इंटर कॉलेज के मैनेजर से संपर्क किया तो उन्होंने बताया कि कुछ लोग अपने को सुदर्शन न्यूज के कर्मचारी बताकर स्कूल में आए थे और उन्होंने एक टीवी कार्यक्रम के लिए बच्चों को पार्क में ले जाने की बात कही थी। इंटर कॉलेज के मैनेजर जितेंद्र सिंह ने कहा कि बीते दिनों मैंने स्कूल के गेट पर कुछ लोगों को छात्रों से बात करते देखा। मैंने उन लोगों से पूछताछ की तो उन्होंने कहा कि वे सुदर्शन न्यूज से हैं और वे राष्ट्र धर्म पर एक बहस कराना चाहते हैं। मैंने टेलीविजन पत्रकारों को आम लोगों का साक्षात्कार करते देखा था, इसलिए मैंने कोई आपत्ति नहीं की। बाद में मुझे पता चला कि हमारे स्कूल के 11वीं कक्षा के 5 और 12वीं कक्षा के 5 विद्यार्थी पार्क में थे। वहीं स्कूल के प्रिंसिपल ने कहा कि ऐसी किसी भी हिंसक विचारधारा का समर्थन करने का कोई सवाल ही नहीं है। हमें इस बात की जानकारी थी कि हमारे छात्रों को पार्क में ले जाया गया है, लेकिन ये नहीं पता था कि न्यूज चैनल के लोगों का मतलब शरारत करना होता है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस भी इस मामले की जांच में जुट गई है। जिले के अपर पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार ने बताया कि मामला उनके संज्ञान में है। ये कार्यक्रम एक निजी टीवी चैनल की ओर से आयोजित कराया गया था। पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। वहीं जिले के SP अमरेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है। जांच पूरी होने के बाद ही इस बारे में उचित जानकारी दी जा सकेगी। अब चाहे कोई भी बड़ा कानूनी कदम ही क्यों ना उठा लिया जाए, लेकिन इस दंगाई पत्रकार और इसके चैनल का कोई बाल भी बाका नहीं होगा, क्योंकि सत्ता का संरक्षण ही इन लोगों को अपनी नफरत फैलाने का मौका देता है। सुरेश चौहान के की नफरतबाज पत्रकारिता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि संघ लोक सेवा आयोग यानी UPSC में अल्पसंख्यकों की कामयाबी भी इस संघी चलगोजर को रास नहीं आई। इसने UPSC पर भी सवाल उठा दिया। इसी नफरतबाज पत्रकारिता को अदालत से भी फटकार लगाई जा चुकी है और इसके कार्यक्रमों पर भी रोक लगाया गया। लेकिन केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ऐसे लोगों को खूब पाल पोस कर खूब बड़ा कर रही है ताकि ये लोग पत्रकार के भेष में दंगाई की भूमिका अदा कर सकें। अब एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते आपको ऐसे पत्रकारों और ऐसे न्यूज चैनलों से खुद को, अपने और अपने बच्चों को दूर रखना होगा, वरना ये लोग आपके बच्चों को भी छोड़ने वाले नहीं हैं। सोनभद्र तो बस एक बहाना है, आगे आगे देखिए होता है क्या। और फिर चलते चलते आखिर में अब्दुल रहमान एहसान देहलवी ने भी क्या खूब फरमाया है। गर है दुनिया की तलब जाहिद मक्कार से मिल, गर है दुनिया की तलब जाहिद मक्कार से मिल, दी है मतलूब तो इस ताली वे दीदार से मिल। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें। हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार यार दोस्तों को भी शेयर करें। और बेबाक निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल टाइम्स मेल को जरूर सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन आप जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। तुमसे पहले वो जो एक शख्स यहाँ तख्त नशीं था, तुमसे पहले वो जो एक शख्स यहाँ तख्त नशीं था, उसको भी अपने खुदा होने पे इतना ही यकीन था। कोई ठहरा हो जो लोगों के मुकाबले तो बताओ, कोई ठहरा हो जो लोगों के मुकाबले तो बताओ, वो कहाँ है कि जिन्हें नाज बहुत अपने तई था। सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूँ आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। आर्यव्रत के महाराजा धीराज इस वक्त चैन मुद्रा में विश्राम कर रहे हैं। हस्तिनापुर से लेकर अयोध्या और प्रयाग से लेकर लंका तक चारों दिशाओं में डंकापति का डंका बज रहा है। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा।
अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।